दिवंगत नेता केंद्र माजी आर्थिक शाख मंत्री अरुण जेटली देशानिकि चेसिन सेवलकु गुर्तिंपुगा केंद्र आर्थिक व्यवहार मंत्रित्व शाख शुक्रवार अरुण जेटली स्मारक उपन्यासम निर्वहिंचिंदि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पाटु पलवुरु प्रमुखुलु ई कार्यक्रमंलो पाल्गोनि प्रसंगिंचारु। ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన భవన్లో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో అభివృద్ధి ద్వారా వృద్ధి సమగ్రత ద్వారా వృద్ధి అనే అంశంపై సింగపూర్ ప్రభుత్వ సీనియర్ మంత్రి శ్రీ ధర్మన్ షణ్ముఖరత్నం ప్రసంగించారు। అరుణ్ జైట్లీ స్మారక ఉపన్యాసంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పాల్గొని ప్రసంగించారు। అరుణ్ జైట్లీ సేవలను గుర్తుచేసిన ప్రధాని గత 8 ఏళ్లుగా ఆర్థిక వికాసం కోసం తమ ప్రభుత్వం చేపట్టిన కార్యక్రమాల వివరాలను వెల్లడించారు। रियल ग्रोथ संभव ही नहीं है और बिना ग्रोथ के इंक्लूजन का लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सकता और इसलिए हमने ग्रोथ टू इंक्लूसिविटी का रास्ता अपनाया, सबके समावेश का प्रयास किया। बीते 8 वर्षों में भारत ने इंक्लूजन के लिए जिस स्पीड के साथ काम किया है, जिस स्केल पर काम किया है, वैसा उदाहरण आपको पूरी दुनिया में कभी भी नहीं मिलेगा। बीते 8 साल में भारत ने 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। ये संख्या साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इसकी सारी आबादी को भी जोड़ दें तो उससे भी ज्यादा होती है। यानी आप स्केल देखिए, बीते 8 साल में भारत ने 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाकर गरीबों को दिए हैं। बीते 8 साल में भारत ने 45 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक अकाउंट खोले हैं। ये संख्या भी जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, मेक्सिको, इनकी टोटल पॉपुलेशन से भी करीब करीब उसके बराबर है। बीते 8 साल में भारत ने गरीबों को 3 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं।